मैं डॉक्टर चरणजीत लाल, रिटायर्ड जिला होम्योपैथिक अफसर जलंधर, साबका लेक्चरार लॉर्ड महावीरा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लुधियाना, दसना चाहना हाँ कि जिवें कि आप सारे ही जानते हाँ कि 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। सारे संसार दे विच इस दिन को वर्ल्ड होम्योपैथी डे उत्ते मनाने हाँ, क्योंकि इस दिन होम्योपैथी के जन्मदाता होम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर सैमुअल क्रिस्टन फ्रेडरिक हैनमन का जन्मदिन दिहाड़ा है। मैं इस मौके पर सारे ही होम्योपैथ डॉक्टर्स होम्योपैथिक लवर्स और सारे ही इस फैटर्निटी जिन्हें भी होम्योपैथिक फैटर्निटी है और सेहत विभाग के कर्मचारी ने उन्होंने सारे को इस मौके पर बहुत ज़्यादा बधाई और शुभकामनाएं मैं देना। आप सारे ही जानते हैं कि होम्योपैथी सिस्टम जोड़ा है वो बहुत ही सेफ इफेक्टिव सिस्टम है और जैसी वर्ल्ड की गल की जाए ये दूजे नंबर का सिस्टम है जिन्हें लोग सारे विश्वास करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। होम्योपैथी का ना बहुत ही कहने की लोड़ भी नहीं है क्योंकि हर तरह की बीमारी का इलाज खास तौर पर पुरानिया अते ला इलाज बीमारियों का इलाज होम्योपैथिक नाल संभव है। जेकर मरीज की हिस्टरी पूरी तरह ली जाए और मरीज पूरा कोऑपरेटिव होवे और पूरे लक्षण डॉक्टर और मरीज अपने आप साझे कर लैन तो इस कोई शक नहीं कि होम्योपैथी जी दवाई है बड़ी जल्दी अपना असर दिखा देती है। बहुत ही सारे कुछ वहम आम लोगों में पाए जाते हैं कि होम्योपैथिक दवाई जी है बड़ी देर नाल असर करती है। मैं इतने साफ तौर पर क्लीयर कर देना चाहना कि यह एक पुराना वहम है, कोई इदा की कोई गल नहीं है। जेकर पूरी हिस्टरी रही जाए, दवाई पूरी चंगी तरह सिलेक्ट की जाए तो होम्योपैथिक दवाई बड़ी जल्दी असर कर देती है। ये भी आम तौर पर कहा जाता है कि बहुत मिठिया गोलियां हैं तो इन्हों का की असर होएगा। मैं तो दसना चाहना हाँ कि यह बड़िया सूक्ष्म दवाइया होंदिया होम्योपैथिक दवाई जो बनाने का ढंग है वो बड़ा ही अजनबी है। होम्योपैथिक दवाइया जी सेहतमंद पुरुषों पर प्रयोग की जाए जो भी इन्हों की प्रूविंग होंगी है वो सेहतमंद बंद ही प्रूव की जाती है। इस करके जिन्हें मानसिक सिमटम है या माइंड के सिमटम है उन्होंने बहुत ज़्यादा अहमता है होम्योपैथी। जेकर माइंड सिमटम पूरी तरह मिल जाए, बंदे भावनावां बंदे का फीलिंग सारिया पता लग जा, बंदे की बनावट कुदरती कॉन्स्टिट्यूशन पता लग जाए पेशेंट का, इदा की कोई गल नहीं कि किसी भी तरह की बीमारी को होम्योपैथी नाल दूर किया जा सकता है। सो वर्ल्ड दे विच और पंजाब दे विच सरकारां वल्लों बहुत सारिया होम्योपैथिक डिस्पेंसरियां खोलियां गई हैं और सरकार ने जो ये महसूस किया कि सिस्टम बड़ा वधिया है तो उन्होंने सिविल हस्पतालों में या सरकारी हस्पतालों के भी होम्योपैथिक के विंग बनाते हैं। सो दिन ब दिन जिहड़ा होम्योपैथी का प्रसार दिन ब दिन वध रहा है और आम लोगों तक भी इसकी पहुँच हो रही है। तो मैं इतने खास तौर पर कहना चाहना हाँ कि जेकर इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आम तौर पर अजकल जो भी पेशेंट हैं वो साइड इफेक्ट तो बहुत डरते हैं क्योंकि एलोपैथिक इलाज आम बीमारियों वास्ते बड़ा महंगा पै गया है और लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जिहड़े अफोर्ड भी कर सकते हैं वो भी साइड इफेक्ट तो बहुत डरते हैं। सो होम्योपैथिक दवाई की इदा की दवाई है जी कि हर हालत चाहे वह प्रैगनेंसी का केस हो, चाहे छोटे बच्चों का केस हो, बड़े आराम नाल बड़े सेफ ढंग नाल सुरक्षित ढंग नाल दी जा सकती है। सो मैं अज के दिन फिर एक बार सारे बहुत सारी बधाई देना हाँ और मैं कामना करता हाँ कि इस होम्योपैथी जी है दिन ब दिन ये तरक्की करे और इस सिस्टम का फायदा आम लोगों तक खास तौर पर गरीब और सहा बेसहारा लोगों और जोड़े पेशेंट पुरानी बीमारियों को काबू आ चुके हैं उन्होंने उस फायदा मौका मिले और सारिया संस्थावान मैं अज के दिन अज के शुभ दिहाड़े पर सार अपने वालों अपनी संस्था वालों सारे बधाई देना हाँ। जय हनुमान, जय होम्योपैथी।